साथियों, मुझे संतोष है कि देश में पिछले 8 साल में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान, या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, वन सन वन ग्रिड, सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग दोनों में वृद्धि, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। और भारत ये प्रयास तब तक कर रहा है जब दुनिया ने, आज जो क्लाइमेट के लिए दुनिया परेशान है, उस बर्बादी में हम लोगों की भूमिका नहीं है, हिंदुस्तान की भूमिका नहीं है। विश्व के बड़े और आधुनिक देश ना केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति 4 टन का है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष 0.5 टन के आसपास ही है। कहां 4 टन और कहां 0.5 टन। बावजूद इसके भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, और जैसे अभी सदगुरु जी ने कहा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के निर्माण का नेतृत्व किया है। पिछले वर्ष भारत ने यह भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा।